one introduction to a personality that he told me that they used to hide in their student life the grandson of the renowned poet Faisal Nawaz. I would request Mr. Ali Hashmi to please start the session. हाथ पकड़ लेते हैं, इजी हो जाएगा। हाँ, इसी में बोल देते हैं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली मदी हाशमी है और मैं पाकिस्तान का सबसे लंबा साइकियाट्रिस्ट हूँ। वो तारुफ, वो इट्स हार्ड टू हाइड वो तारुफ जो हम DPS में छुपाया करते थे, वो तो आपने सुन ही लिया है। मैं याद ये करने की कोशिश कर रहा था कि उस ज़माने में कौन सी क्लास होती थी। अदर ये टेंथ क्लास होती थी शायद, अबरार साहब को याद हो, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी क्लास होती थी। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उस स्कूल में, जिसमें एक याद आपसे शेयर कर लेते हैं। स्कूल की बहुत सारी यादें हैं, हर तरह की। जब छुट्टी होने से 15 मिनट रह जाते थे या 10 मिनट रह जाते थे, तो उस वक्त बेताबी का ये आलम होता था कि बस छुट्टी हो। और उसके बाद जब छुट्टी होती थी तो एक जैसे जलजला आता था स्कूल में, क्योंकि सब लोग उठ के भागते थे। अभी भी होता है कैद से छुटकारा। अच्छा, आपका इसको ना तौकीर सर लगा ही लें, क्योंकि मैंने लिखना होगा। और थोड़ा सा इसको अगर आप इधर करवा देने, क्योंकि मैंने ये तो यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये पकड़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से निकलवा। एक तो आप लोगों का मैं, क्योंकि अब ख़ुद भी टीचर हूँ, तो अगर इस किस्म के किसी फोरम पे आपको बुलाया जाए, मेरी अपनी गलती है, इस किस्म के फोरम पे आपको बुलाया जाए तो जो फ़िज़िकल लोकेशन है ना, वो पहले देख लेनी चाहिए, ताकि उसके मुताबिक आप उसको सेट कर लें। बहरहाल कोई बात नहीं, मेरी आजकल स्लाइडों का फैशन है। मैं स्लाइडें से मुझे सख्त नफरत है, तो इसलिए मैंने आपको भी स्लाइडों के साथ बोर नहीं करना। दूसरा, ज़्यादा मेहनत करने का मुझे शौक उस वक्त भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए क्लास में फ़र्स्ट मैं नहीं आता था। उसके पीछे भी एक किस्सा ये है कि मैं KG में जब दाखिल हुआ, उसके बाद क्लास 1 में फ़र्स्ट आता था, क्लास 2 में फ़र्स्ट आता था, क्लास 3 में फ़र्स्ट आया। ये बात है कोई 1976 की, 75-76 की, 77 का मामला ज़रा फ़र्क हो गया था। और वो मुझे, हमारी एक टीचर होती थी मिस नजमा, मुझे आज तक याद है, मेरी बर्थडे पे भी आई थी, इसलिए मुझे याद है कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करती थी। अच्छा, फिर थर्ड क्लास में जब मेरे, ये बाद में पता लगा, जब मेरे वालिद साहब ने देखा कि ये तो मतलब बहुत ही आगे है, तो उन्होंने मेरी डबल प्रमोशन करा दी, ये बाद में पता लगा। तो मैं फ़र्स्ट से थर्ड पे आ गया, थर्ड से फोर्थ, और फिर सारा थ्रू आउट मैट्रिक थर्ड फोर्थ पे मुझे गुजारा करना पड़ा। अब तक यानी तकलीफ है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, तकलीफ है इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, एक अगर मुझे हेल्पर मिल जाए ना, कोई यहाँ बोर्ड पर मेरी हेल्प करना चाहेंगे, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वो फॉर्म, मैंने वो 3-4 सवाल इसलिए बना के आपको भेजे थे कि थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। अब ये थोड़ा सा पहले मैं आपका यानी इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये हो क्या रहा है। मैं तो, आपने सुनी लिया है कि मैं DPS क्लास ऑफ 1983 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अबरार साहब भी हमारे बैचमेट हैं। कुछ कई महीनों पहले रबता हुआ था आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसमें हमें बताया गया कि जी कुछ जो DPS के पुराने अलमनाए हैं, उनको मुनज़म करके स्कूल की बेहतरी के लिए कुछ काम हम करना चाहते हैं। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, हम तो पुराने मॉडल टाउन के हैं वैसे भी। सो, ये जो आज का जो सेशन है, मेरा काम क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आज का जो सेशन है वो एक सॉर्ट ऑफ एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। इस सेशन का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बनाया जाए, वो मुमकिन भी नहीं है।
सो जस्ट एक तारुफ है और आइडिया हमारा, हम जो प्लान कर रहे हैं वो ये कि इस किस्म के सेशन रेगुलरली हुआ करें। अब वो ज़ाहिर है सब लोग जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं वो अपना टाइम वॉलंटियर कर रहे हैं, तो उनकी मसरूफियत और उसके हवाले से होगा, लेकिन मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि एक या दो महीने के बाद एक इस तरह का सेशन हो जाया करे, और ये पहला स्टेप होगा। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी की है। उसके बाद आप लोगों को शायद इल्म हो या ना हो कि मेंटल हेल्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में उनकी शदीद शॉर्टेज है, साइकाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की। सो मेंटल हेल्थ का जो 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 यानी मेंटल हेल्थ का उसको उसकी एक प्रॉब्लम कह लें, या जो 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 मेंटल इलनेस की जो एक एक वबाई कह लें उसको, वो पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रही है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसको डील करने के लिए लोग बहुत कम हैं पूरी दुनिया में। मसलन ये कि मैं अमेरिका गया था 94 में, और फिर 2010 में वापस आया था। अगर इस पर आपने गुफ्तगू करनी है क्यों वापस आए थे, वो फिर अगले सेशन में करेंगे। सो उस पर मैंने वैसे अखबार का कॉलम भी एक लिखा है, वो मैं शेयर कर दूँगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं क्यों वापस आया था। लोग बहुत थोड़े हैं। अमेरिका से आज भी मुझे ईमेलें आती हैं, रोज़ आती हैं कि आप वापस आ जाएं, 12 साल हो गए, आ जाएं। सो यहाँ पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जो विच इज़ क्लासिफाइड एज ए लो एंड मिडिल इनकम कंट्री अकॉर्डिंग टू वेरियस बॉडीज़, हमारी उसके हिसाब से कम है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही थोड़ी हैं। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हर, और ये अभी जो यहाँ पे बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें बहुत सारे कॉमन थीम्स थे, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट का अवेलेबल होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं हैं। और ये लाहौर की बात हो रही है, आप में से कोई आउट ऑफ सिटी में से आया हुआ है, लाहौर से बाहर से कोई जिसका घर हो, कहाँ से हैं सर आप? यार एक जो हाई पॉइंट होता था ना हमारे स्कूल लाइफ का, स्कूल ट्रिप जूनियर स्कूल में मेरा ख्याल शहर के अंदर के ही जाया करते थे। उसके बाद फिर हेड, मुझे अभी तक याद है, हेड बल्लो की, हिरन मीनार, चांगा मांगा और एक आधा कोई और होता था, जो अब चांगा मांगा तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके जो छोटे जो शहर हैं, कसूर, हाफजाबाद, चिश्तियाँ, वहाँ पर तो मेंटल हेल्थ का नाम ही नहीं है, यानी कि कोई सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। अवेयरनेस तो बढ़ गई है क्योंकि अब जाहिर है स्मार्टफोन और मीडिया। हमारा आइडिया ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस बात पे, वो जब भी बात होगी उस पर की भी है, कि जी हमें कुछ रिसोर्सेज टीचर्स को अवेलेबल होनी चाहिए जो कि हमें हेल्प करें उन प्रॉब्लम्स को डील करने में जो हमें आ रही, जिसकी बात अभी हम करते हैं, जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, जो फॉर्म था ना उसमें। सो आइडिया ये है कि एक या दो इंट्रोडक्टरी सेशन करके हर किस्म की एक्सपर्टीज़ आपको इस सेटिंग में हम प्रोवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकाट्रिस्ट, जो अमेरिका में भी ना होने के बराबर है, वहाँ वो लोग भी एक आधा लाहौर में मौजूद हैं, उनको भी हम ले आएंगे। लेकिन फर्दन हर बच्चे की जो प्रॉब्लम चल रही है, या हर फैमिली की जो प्रॉब्लम चल रही है, या जो टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही हैं इंतज़ामिया में, वो फर्दन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग थोड़े हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हैं उनमें आपकी ही ट्रेनिंग कर देंगे एज रिसोर्स पर्सन्स, के जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें आप लोग खुद इंटरवीन कर सकें, बजाय इसके कि आपको किसी साइकाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को बुलाना पड़े या उनसे मशवरा करना पड़े। तो वो अगला स्टेप होगा, वो देख लेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सा सेशन है। एक कल मुझे याद है, कल शाम को मैं क्लिनिक कर रहा था, एक पुरानी टीचर आई, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उस वक्त की टीचर हैं जब मैं जूनियर स्कूल में पढ़ता था। एक हमारे एक लेजेंडरी प्रिंसिपल हुआ करते थे, डॉक्टर मुश्ताक, जिसे नाम सुना हुआ है, मैडम जाफरी, सुना हुआ नाम, हाँ आपने अब तक सुना हुआ है, उस जमाने की वो टीचर हैं। उनसे जब बात हो रही थी, खैर वो अपना कोई अपने को फैमिली मेम्बर के बारे में मशवरा करने आई थी, सो उनसे जो बात हो रही थी, तो उन क्योंकि मेरा आज सेशन था ये, वो कल शाम को मेरे पास आई क्लिनिक में, तो मैंने कहा मैडम आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये टीचरों ने ये प्रॉब्लम, जो आप लोगों ने प्रॉब्लम बताए थे, ये आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप लोग क्या करते थे? उन्होंने फिर मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा एक बच्चा था जिसकी फैमिली का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया और उसकी माँ मर गई। उस रोड साइड एक्सीडेंट में वो भी था बच्चा, माँ मर गई, बाप की टांग टूट गई, खुद शायद इतना ज़ख्मी नहीं हुआ, और उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और वो बात ही नहीं करता था किसी से, और वो स्कूल में उसने यानी परफॉर्मेंस उसकी ड्रॉप करना शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। अब ये आज के ज़माने में तो हम ये समझते हैं कि ये एक ज़हनी परेशानी से बढ़ के ज़हनी बीमारी की तरफ मामला जा रहा है, लेकिन ये बात हो रही 30 साल पहले की,
तो मैंने कहा मैडम फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा उसको मुझे टीचर ने जो वो शायद जो भी थी कोऑर्डिनेटर थी जो भी थी तो क्लास टीचर ने या किसी टीचर ने कहा कि मैडम इस बच्चे को बड़ा मसला हो रहा है आप, तो वो मेरे पास बच्चे को लेके आए तो मैंने उसको बिठाया, फिर मैंने उसको बताया कि मेरे भी अबू फौत समथिंग, उन्होंने रैंडमली बताया कि मेरे अबू फौत हो गए। तो बच्चे ने कहा अच्छा आपके अब, द पॉइंट इज़ कि उन्होंने बच्चे का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया, कुछ एक्स्ट्रा टेंशन दी, कुछ एक्स्ट्रा अपना यू नो ऑफर की अटेंशन, और आहिस्ता आहिस्ता बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के इंटरवेंशन के किसी दवाई के वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया, ठीक हो गया। सो अच्छी खबर ये है कि बच्चे और इंसान इन जनरल काफ़ी रेजिलिएंट होते हैं, बहुत तरह की आफात से बहुत तरह की मुसीबतों से हम गुज़रते हैं और हम उससे गुज़र के निकल आते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। अलबत्ता जब मुसीबत सर पे पड़ी हुई होती है, आज सुबह खबर आई है मुझे, अभी मेरी अम्मी ने मुझे कहा, एक दूर पार के रिश्तेदार हैं 90 साल उनकी उम्र है, उनको कोविड हो गया, आजकल फिर फैल रहा है। वैसे असूली तौर पे हम सबको मास्क पहनने चाहिए, सिर्फ मैडम इस वक्त सेफ़ हैं, बाकी सब कोविड एक्सपोज्ड हैं। एक वो मैडम मैं ये पब्लिक हेल्थ मैसेज, कोविड दोबारा फैल रहा है अब थोड़ा सा, सब ने वैक्सीन लगवाई भी है, बूस्टर लगे हुए सबको, वेरी गुड। अब वो जो साहब हैं वो 90 साल उनकी उम्र है, कोविड उनको हो गया है, एन मुमकिन है कि वो ना बच सकें। इस तरह हमारे जो कोविड के जो वबा गुजरे, मेरी एक दो हमारे डिस्टेंट फैमिली, अब इस तरह का मामला अगर कोई हो जाए कि कोई फौत हो जाए, कोई और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका मनफी असर आना ज़हनी तौर पे एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन अगर बच्चे को प्रॉब्लम, आपके हवाले से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में बच्चा लेट आ रहा है, तो सर आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा मैं, थोड़ा सा आपके दो तीन थीम आपके जो आपने आइडेंटिफाई किए थे वो लिखवा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी एक ये एक बड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे थोड़ी डिस्कशन हो जाए उन्हीं थीम्स पे जो आपने आइडेंटिफाई किए थे। तो लिखेंगे सर, लिखें सर, फिक्स्ड माइंड सेटअप। ये जिन्होंने लिखा था उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन है, तो मैं ये समझा नहीं कि किसने लिखा है। उनका बच्चे फिक्स्ड माइंड सेटअप में आ जाते हैं किस पे अच्छा चलिए अगर किसी को याद आ जाए तो बता दें। लैक ऑफ टाइम एंड पर्सनलाइज अटेंशन, ये मैंने थीम को थोड़ा सा जो है उनको कंप्रेस किया है कि आप लोगों ने ये बात की है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बच्चों की जो एक्स्ट्रा एकेडमिक मसाइल हैं उन पे ध्यान दे सकें। हमने सिलेबस कवर करना है, हमने स्कूल की डेडलाइन भी मीट करनी है, इम्तिहान लेने हैं, तो ये बाकी जो मामलात हैं हमें हम क्या करें, टाइम कम है, ये एक उसमें आया था। और उसी लिहाज से पर्सनलाइज अटेंशन के बच्चे को जो कल अभी मैंने बात की ना, जो मैडम ने कल रात को मुझे कहा था कि मैंने बच्चे को बिठा के उसके साथ बात की, उससे उसके साथ टाइम स्पेंड किया, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा फिर वो ठीक हो गया। सो आप लोगों ने जो फॉर्म्स जो भेजे थे उसमें ये एक रिकरेंट थीम था कि जी ये हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एक दफ़ा मैं कराची गया, आगा खान में काम करने गया था, मैं कुछ बात ऐसी करने लगा हूँ जिसमें कुछ लोग हो सकता है माइंड कर जाएं, लेकिन मैं उससे पहले आपको किस्सा सुना देता हूँ। तो एक टैक्सी मैंने वहाँ से ली, उस वक्त मैं नया नया आया था अमेरिका से, उस वक्त था कि कराची में अगर कोई जाता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं आता। कोई कराची से तो नहीं है यहाँ पे, कराची से कोई नहीं? अच्छा, उस आप उसके बाद मैं अक्सर जाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। तो एक टैक्सी मैंने ली एयरपोर्ट से, उसमें एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जिनकी दाढ़ी थी वो अपना मेहंदी वाली दाढ़ी, बुज़ुर्ग इंसान थे। तो मैंने कहा जी अच्छा आपको बात शुरू हो गई, मैंने कहा जी आप कहाँ से हैं? मैं नया नया अमरीका से आया था, मेरा रंग रूप तो आप देख ही रहे हैं। उसने कहा जी मैं महसूद हूँ फाटा से। अब मैं और डर गया। अच्छा खैर गपशप उनसे चल रही है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। ओ उन्होंने कहा आप डॉक्टर हैं डॉक्टर? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये तो हकीम लुकमान का मनसब है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी बात चल गपशप चल रही थी, तो मैंने कहा जी मैं उस्ताद भी हूँ। ओह डॉक्टर साहब आप उस्ताद भी हैं? तो मैंने कहा जी ये क्या मनसब है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये हजरत जिब्राइल का मनसब है। ये उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा। मुझे हैरानी हुई कि यार एक हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा मोतबर शख्सियात समझते हैं, ये एक टैक्सी ड्राइवर आज मुझे बता रहा है। तो इस किस्से को जहन में रखिएगा जब मैं अगली बात करूँ। कल मैडम से जब बात हुई थी मैंने कहा मैडम आजकल कुछ ये कारोबारी सा मामला बन गया टीचर स्टूडेंट। मैडम ने कहा बेटा वैसे ही है बिल्कुल, वो ज़माना तो गुजर गया।
अब जो जो है सो है, वक्त बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। अब इस एनवायरनमेंट, इस मामले के अंदर रहते हुए ये काम करना, वो पर्सनलाइज्ड अटेंशन, वो जो 30 साल पहले मैडम मुझे बता रही है वो किया था, वो वक्त और था, अब वक्त और है, अब और जिम्मेदारियाँ हैं, और मजबूरी हैं, और तरह के हालात हैं। लेकिन बहरहाल वो जो एक 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 पर्सनल रबता है, एक पर्सनल रिश्ता है टीचर्स के साथ, वो अगर ना हो तो कोई मज़ा नहीं है फिर। मुझे तो कोई मज़ा ना आए कि अगर मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ केई में, सो अगर वो पर्सनल कनेक्शन नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें भी एक पैराडॉक्स है, यहाँ पे कोई फिज़िक्स के टीचर बैठे हुए, फिज़िक्स के या साइंस के कोई, ये किसी ने कभी देखा हुआ है इसको? ये मैडम ने जो कहा, ये इसको कहते हैं बेल कर्व। एक बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट है बेल कर्व, कि जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है वो एक 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 वेरी करती है। तो अगर यहाँ पे आप अगर एकेडमिक अचीवमेंट रख लें, ये मैं रात को भी अपने दिमाग में, मुझे फिज़िक्स, और आप क्या पढ़ाते हैं सर? माशाल्लाह, तकरीबन 9वीं क्लास के शुरू में फिज़िक्स आना, समझ आना बंद हो गई थी, मैथ्स आती ही ज़ाहिर है, तो ट्यूशन शुरू हो गई थी 10वीं में। उस जमाने में ज़रा इनफॉर्मल सा होता था, खुदा खुदा करके मैथ से जान छुड़ाई थी मैट्रिक के बाद, और फिज़िक्स से जान छुड़ाई थी अपना इंटर के बाद। और उस मैंने कहा जान छुटेगी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वो तो बाद में पता लगा आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो भी केई कॉलेज। बहरहाल ये एकेडमिक अचीवमेंट है, और अगर ये समझ लें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने लोग हैं, ये बड़ा बुनियादी सी चीज़ है। यहाँ पे यानी जितने 5-8% वो बच्चे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको आप रेगुलर क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, वो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके दिमाग पे चोट लगी हुई है, उनको इस किस्म की बीमारी है, पैदाइशी है या बचपन से है, कि उनके लिए, ये भी आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उनके लिए आपको जिसको अमेरिका में कहते हैं स्पेशल क्लासरूम या स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए आपको स्पेशली ट्रेन टीचर चाहिए जो उनकी बिहेवियरल इशूज़, उनके जो 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 आप उसको ब्रेन की वीकनेस कह लें, एक ब्रॉड सी टर्म है, तो उनको आप रेगुलर क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। यहाँ पे लोग हैं जो बहुत ही हाई अचीविंग है, 5-8% जो बहुत ही तेज़ बच्चे हैं, उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं, उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, उनको टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं तो इतना खुश हुआ देख के, अज़र साहब ने अभी मुझे, उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड करने लगे, अब आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्ड ही होती है, सबके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस है, तो मैं लेकिन थोड़ा सा हूँ कि जी क्या करना है रिकॉर्डिंग का, उन्होंने कहा जी अपने चैनल पर डालेंगे। मैंने कहा जी आपका चैनल है? DPS का चैनल है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि उस पर लेक्चर भी रखे हुए हैं, सारा कुछ रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। जो बहुत ज़हीन बच्चे हैं, और वो जो ज़हानत है वो उसका एक फैक्टर होता है, वो जो होता है ना गॉड गिफ्टेड, वो पैदाइशी हैं बस, उनकी उनका दिमाग तेज़ है, उनको मेरी आपकी ज़रूरत नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है। उनके पास इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के बेहतरीन टीचर्स की सहूलत है, मुफ्त पूरी दुनिया के टीचर्स उनके घर में बैठे हुए हैं, दे डोंट नीड अस। हमारा चैलेंज है इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये जो बीच में है। और इसमें भी ये जो ग्रुप है इसमें भी वेरिएशन है, कुछ जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, कुछ तेज़ हैं, कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं। और एक टीचर का असल जो अचीवमेंट है वो यही होता है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इनको कैसे, और स्पेशली इनको इधर कैसे लेके आना है। जाहिर है इनको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इनके लिए आपको स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए, अलहदा स्कूल वगैरह वगैरह। ये जो बच्चे हैं खुद ही पढ़ लेंगे, ये घर बैठ के खुद पढ़ लेंगे, क्लास में बिठा लें इनको, लेकिन क्लास में फिर इनको अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये भी आपको तंग करेंगे, अगर आप रेगुलर क्लास में इनको बिठाएंगे तो ये भी तंग करेंगे, तंग इसलिए करेंगे कि वो इंतहाई शदीद बोर हो रहे हैं, उनको तो आता है जो आप पढ़ा रहे हैं, आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं, वो जानते हो मैडम को, ये कोई गल है। तो वो फिर वो जो आप लोगों ने डिसिप्लिन के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, एक तरह सर और लिखेंगे, एक दो इकट्ठे लिख देते हैं,
फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लिखें ज़रा, नंबर तीन, नंबर चार एक्सेस टू टीचर्स आउटसाइड स्कूल, इसका भी बात कर लेते हैं। अदम बर्दाश्त, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ये भी। ये सारे वो थीम्स हैं जो बार बार आए थे, जो आप लोगों ने फॉर्म भेजे हैं उसमें ये थीम रिपीट हो रहे थे। ये उन थीम्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, कुछ मैंने उसमें से सेलेक्ट किए हैं। फोकस कॉन्सेंट्रेशन, हाँ वो हो गया, ठीक है। एक लिखे नंबर पाँच, अदम बर्दाश्त। मैं क्योंकि उर्दू का शौकीन हूँ, सबसे कम नंबर मैट्रिक में उर्दू में आए थे ले आप शौक हो गया बूढ़े वेले, अदम बर्दाश्त उर्दू में लिख दें, अदम बर्दाश्त। और एक एक अपने इंटरेस्ट का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट्स पब्लिक स्पीकिंग के। स्टूडेंट्स को ग्रुप के सामने बोलने में दिक्कत होती है, सो ये जो बच्चे हैं, बात ये हो रही थी कि जो बहुत ज़हीन बच्चे हैं, अच्छा ये जो बच्चे हैं ये टीचर के बड़े प्यारे होते हैं। मिस नजमा मुझसे शदीद मोहब्बत करती थी। ज़ाहिर है जो हाई अचीविंग बच्चे होते हैं वो एक्चुअली हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। इनफैक्ट दे कैन ऑलमोस्ट फंक्शन एज असिस्टेंट टीचर्स ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें हमने तो कुछ भी नहीं करना, वो तो बल्कि हमारी हेल्प कर देते हैं, ये कर लें मॉनिटर बन जाते हैं। मुझे भी तो याद है मॉनिटर बना दिया वहाँ उस तुम्हारे पता क्या होता है कि नहीं होता। पुराने ज़माने के ब्लैक बोर्ड होते थे और जब टीचर बाहर जाता था तो हाथ में चौक पकड़ा हुआ है, जो गड़बड़ कर रहा है उसके नाम लिख रहे हैं बोर्ड पे यानी नफरत करवाने का अपने क्लास फेलो से इससे बेहतर तरीका नहीं है। अगर आपने आप चाहते हैं कि किसी बच्चे से उसके क्लास फेलो को नफरत हो जाए तो उसको मॉनिटर बना दें बहरहाल ठीक है। एक हाँ नहीं ठीक है ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग भी एक आपने कहा था। ये कुछ बुनियादी सी बातें थी। अच्छा इसमें यहाँ पे एक चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं, वो मैंने तो बात की कि ऐसे बच्चे जिनको कोई पैदाइशी, कोई ज़हनी चोट, कोई पुरानी टर्म होती थी मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलिजेंस की कमी, लेकिन उसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको कोई फ्रैंक मेंटल इलनेस चल रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। यहाँ पे जो आपके जो यानी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट या जो ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपके काम आ सकते हैं अगर बच्चे को, तो वो उन बच्चों को भी, उन बच्चों की जब वो उनकी जो शरह है वो कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी हम हेल्प कर सकते हैं कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके बहुत सारे सिंपल टूल्स मौजूद हैं। एक कुछ मैंने रिसोर्सेज तौकीर साहब आपको भेजी हैं, वो इनसे शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ रिसोर्सेज आपको भेज देंगे जिसमें सिंपल ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल टीचर्स अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा कि ये जिस किस्म के सेशन हैं ये आगे चल के भी हम आपके इंशाल्लाह करवाते रहेंगे, ताकि आपकी जो अपनी जो नो हाउ है और आपकी अपनी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हों। सो उसकी आप फिक्र ना कीजिएगा। ज़रा मुझे इसके बारे में बताएँ, ये काफ़ी लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लड़ाइयाँ होती हैं, लैक ऑफ टॉलरेंस है, ये है वो, कोई बताना पसंद करेगा, कोई मिसाल देना पसंद करेगा, एग्जांपल, एनीबॉडी? मैडम ने जवाब दे दिया अपने सवाल का, लेकिन बहरहाल हाँ बोले मैडम। मैडम ने कहा सर बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं ना, मैडम आपकी बात नहीं कर रहा, तो माइंड ना करे। मेरा एक थोड़ा सा एक इनफॉर्मल सा तरीका है, प्लीज़ दिल पे ना लीजिएगा, अपनी बात कर लेता हूँ। अगर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में मैं चीख रहा हूँ, चिंगाड़ रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, लोगों से लड़ाइयाँ कर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट भी वही सीखेंगे, ज़ाहिर है। और अगर सड़क पर मैं लड़ाई कर रहा हूँ और अपने नौकरों को घर पर मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे वही सीखेंगे। तो इसलिए एक तो यानी जिस तरह मैडम ने बड़ी अच्छी तरह पॉइंट आउट किया कि सर ज़रा बड़ों को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, जब माँ बाप बर्दाश्त कर लेंगे और बड़े बर्दाश्त करेंगे तो बच्चे भी सीख लेंगे। अलबत्ता क्या हमारे मुआशरे में आज के दौर में ये मुमकिन है? टीवी देखता है कोई? बस जब आपका मीडिया, आपके माशाल्लाह अशराफिया, आपके सियासी रहनुमा, आपके मोतबर लोग जिस किस्म की हरकतें पंजाब असेंबली में, नेशनल, तो फिर सारे ही देख रहे हैं ना।
और फिर मैसेज उसे ये जा रहा है कि यही तरीका है। अलबत्ता बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, सर उनको ठीक करें, मैं किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने आप पे काम कर सकता हूँ। और आपके पास एक बहुत बड़ी ह्यूमन लेबॉर्टरी है जिसमें आप जो मर्ज़ी तजर्बा करें। ये चार दीवारी है रीजनल पब्लिक स्कूल की, इसमें हज़ारों फ्यूचर पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, लाखों। अगर आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपने मुस्तकबिल के लाखों पाकिस्तानी शहरियों की तरबियत करनी है। तो ठीक है, जो भी कुछ भी हो रहा है बाहर, आपके पास एक इनक्लोज एनवायरनमेंट है जिसमें आप इस चीज़ को मॉडल कर सकते हैं, इस चीज़ को। और यकीन माने, ये अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था ना ये आपकी चीज़ें, हम लोग 2010 में जब अमेरिका से वापस आए, तो मेरा जो बड़ा बेटा था वो अभी 9 का हुआ था, क्लास 3 से 4 में जा रहा था। अमेरिका में 5 साल पे स्कूल शुरू होता है, फॉर्मल स्कूलिंग। छोटा जो था वो तकरीबन 6 का हुआ था, बेटी मेरी अभी 3 की थी। तो आप लोगों में से बहुत सारों ने लिखा है पेरेंट्स के हवाले से कि पेरेंट्स को एंगेज करना, पेरेंट्स के साथ काम करना। तो वो उस स्टेज से भी हम गुजर, अब तो वो माशाल्लाह कॉलेज एज के ऑलमोस्ट होने वाले हैं, उस स्टेज से भी हम गुजर चुके हैं एज पेरेंट्स जो टीचर से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उनको भी स्कूल में, मेरे बेटों को बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की आई। बड़ा जो बेटा था उसको ध्यान देने में मुश्किल होती थी, जो दरमियान वाला था उसने तो 10वीं के बाद कहा मैंने जाना नहीं स्कूल, तो वो प्राइवेटली कर रहा है। सो वो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें भी रहे, अलबत्ता जो चीज़ हमारे काम आ गई वो कुछ सिंपथेटिक टीचर्स थे जो हमसे बात भी कर लेते थे। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो ग्रामर स्कूल में पढ़ाते हैं बहुत अरसे से, तो हमारा एक उस तरह से एक पर्सनल भी उस तरह से कनेक्शन था। लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। थोड़ा सा उसमें अगर आप वक्त दें, मुझे बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपको बहुत क्विकली आपको एक बच्चों की डेवलपमेंट का एक प्राइमर दे देता हूँ। मैंने पहले बताया था कि बड़ा वसी सा सब्जेक्ट है, इसको किसी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं रात को भी सोच रहा था कि कैसे इसको कंप्रेस करें। कुछ जो फॉर्म्स आए थे वो क्लियरली यंगर स्टूडेंट्स के टीचर्स के हैं, तो इसको आइडेंटिफाई कर। आप में से ये आप लोगों की जो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड है, जूनियर स्कूल, सीनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, जूनियर स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? 1 to 5? अच्छा अच्छा, चलें 1 to 5। 1 to 5 के कितने टीचर बैठे हैं यहाँ पे? वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 6 to 12 एक ही। अच्छा, तो बाकी सीनियर टीचर्स हैं। सो आप मैं समझ गया, बाकी आप सब लोग 6 to 12 को टीच करते हैं। अच्छा, इसको फिर चलें 3 में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप प्री स्कूल कर लें, यहाँ पे आप जूनियर कर लें, इसको सीनियर कह लेते हैं। यूजुअली आपकी मॉन्टेसरी में कितनी एज पे बच्चे आते हैं, किस एज पे? 2.5 से 3। हमारा जो सबसे बड़ा बेटा है माशाल्लाह अब कॉलेज में है, जब वो 3 का हुआ, 3 पे पहले अमेरिका में एक रिवाज होता है, डे केयर भी होता है, यानी कुछ महीनों के बच्चों को भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि औरतों ने काम करना होता है तो घर पे उस तरह से कोई दादा दादी या कोई नौकरानियाँ होती नहीं, तो वो भी हमने सोचा। लेकिन मेरी बेगम जो हैं वो घर पे रहती हैं और इसलिए हमें आसानी रही। 3 साल की उम्र में उसको हमने मॉन्टेसरी में डाला, बेटे को। अच्छा, अब वहाँ छोटा सा टाउन था, तो वहाँ पे हमने जब ढूंढा तो वो को बड़ा एक्सक्लूसिव था, प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल था। उस वक्त को $300 या $400 पर मंथ, ये बात मैं कर रहा हूँ 2002 की या 3 की, 70 रुपये का डॉलर था, मैं 100 रुपये का डॉलर होगा, 80 रुपये का होगा, एनीवे इट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, हालांकि मैं डॉक्टर था। अच्छा ठीक है, वो चला गया, वो खुशबाश था, ये वो उसकी माँ पे बड़ा, जब वो पहली दफ़ा गया स्कूल, पहला बेटा, तो उसकी माँ ने रो रो के नदियाँ बहा दी। मैं कहा यार क्यों है, आपको नहीं पता मेरे दिल पे क्या हो रही। मैं कहा यार चंगा भला है, खेल रहे, खा पी रहे। एनीवे वो फिर मुझे समझ आई कि माँ का दिल की एक मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक जीती जागती मिसाल मिली। पहले तो मेरे तरफ किताबों में पढ़ा हुआ था। अच्छा, एक दफ़ा मेरा जाना हुआ उसको पिक करने के लिए, कुछ उस तरह से करके, तो मैंने देखा कि वो जाके ना कभी गिलास में पानी डालता है,
फिर वो जाके इधर कुछ इस तरह करता है, फिर खेलने का टाइम हो जाता है, फिर खाने पीने का टाइम, फिर नैप का टाइम हो गया, सब सो जाते हैं। मैं क्या यार $400 महीना दे रहे हैं बच्चे ने कि पढ़ा भी रहे कि नहीं। मैं आखिर पाकिस्तान से था तो मुझे जाके पैसे थे ला लोड। मैंने एक्चुअली क्योंकि चाइल्ड साइकेट्री फॉर्मली नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो फिर मुझे एहसास हुआ कि पाँच साल की एज में फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट करने का क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि 5 साल से पहले बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ए बी सी डी 1 2 3 उनको ग्रास्प नहीं कर सकते क्योंकि उनका ब्रेन इतना ग्रो नहीं किया होता। उस एज पे आपने सिर्फ उनकी मोटर स्किल्स पे काम करना होता है, इसको उठा के यहाँ रख दो, ग्लास में पानी डाल दो, इस किस्म की चीज़ों पे काम करना होता है क्योंकि उनका ब्रेन अभी ग्रो कर रहा होता है ना। तो अगर 3 साल पे आप बिठा के उनको अलिफ बे जीम पढ़ाना शुरू कर दें, वो तोते के साथ रट तो लेंगे वो, लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आ रही। लेकिन मैं क्योंकि इसी सिस्टम में से गया हुआ था तो इसलिए मुझे था, फिर मुझे आई अंडरस्टूड 5 साल भी उसने भी शुरू किया वो सारा कुछ उसने करके किया। तो यहाँ पे और मॉन्टेसरी जो यहाँ पे तो खैर एक वो उसका एक नाम बना हुआ है ना, मॉन्टेसरी एक्चुअली इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ प्री स्कूल ट्रेनिंग। उसके लिए आपको डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं, सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं कि किस तरह से आपने इस एज के बच्चों को ले कर चलना है, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, ये करवाना है ये नहीं करवाना, इस तरह से डील करना है। और ज़ाहिर है कि इस एज के बच्चों में आपको जो बिहेवियरल इशूज़ हैं और तरह के आएंगे ना। बच्चा जिस तरह अगर आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनके बच्चे हैं और जिन्होंने बच्चे तो आपने खुद भी देखा हुआ है, आप लोगों के घर में लिविंग लेबॉरेटरी नहीं है कि बच्चे किस तरह से मच्योर करते हैं। सो वहाँ पे आपने कुछ और तरीके से चलना है, यहाँ पे आपने वो अब अगर एक मिसमैच है कि जी इंतज़ामिया कह रही है कि जी इनको उर्दू का कायदा और 10 तक गिनती याद होनी चाहिए, तो फिर वो गलत है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है और वो बच्चा कर भी नहीं सकता और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है क्योंकि उस ये साइंस ने साबित किया है, ये मेरी राय नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म, वो एक और बहस है, उस पर आज नहीं पढ़ते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जो बच्चे आपके पास आते हैं उनका एक पर्टिकुलर, ये बच्चे थोड़े से आपको तंग करेंगे, तंग इस तरह से करेंगे कि उठ के भागेंगे, चलांगे मारेंगे, इधर उधर गिरेंगे, टकरे मारेंगे, चक्कियाँ काटेंगे। उसके बाद तकरीबन 4 साल की एज से ले के तकरीबन 11 साल की एज तक, 11-12 साल की एज तक बच्चे रिलेटिवली पुरसकून हो जाएंगे। रिलेटिवली क्या वजह? इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा उनकी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी, जो चलता ही चला जाएगा। हार्मोनल चेंजेस होती हैं ना, ये यहाँ पे जो बच्चे हैं यानी 1 से 3 कह लें, अभी उनके ब्रेन्स अपना जिस्म इस्तेमाल करना सीख रहे हैं तो वो आगे पीछे भाग रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेन ग्रो कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 3-4 से आगे आके एक स्टेज आती है जिसको लेटेंट, साइकोलॉजी की ज़ुबान में लेटेंसी की स्टेज कहते हैं, जिसमें उनका वो जो 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 ब्रेन डेवलपमेंट किसी हद तक हो गई है और अब वो थोड़ा सा काम डाउन हो गए रिलेटिवली, हर बच्चे की अपनी टेम्परमेंट होती है। यहाँ पर फिर वो हार्मोनल तूफान आता है जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, जिसके आपने निशानदेही की है कि जी लड़ाइयाँ होती हैं, इधर मारते हैं, उधर भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि अब ये स्टेज आ रही है उनकी एडल्टहुड में ट्रांजिशन होने की, वो शुरू हो जाती है 11-12 साल से। लड़कियों के केस में इट्स वेरी ऑब्वियस, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है तो वो पीरियड होता है जहाँ से वो, लेकिन वो एक यानी एक वो कोई इवेंट नहीं होता, वो एक पूरा फेज़ होता है, 1-2 साल लगते हैं उसको सेटल होने में भी। लड़कों के केस में उतना ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन दाढ़ी मूछ निकल रही है और वो सारे मामला जो हैं, तो वो फिनोमेना वही है, बायोलॉजिकल फिनोमेना वही है जो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जो जिस्म को अफेक्ट कर रहे हैं, जिस्म को मच्योर कर रहे हैं, ब्रेन भी मच्योर हो रहा है, लेकिन वो जो बीच का जो फेज़ है जिसमें आप लोग उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, इन मैनी केसेज़ उनको खुद भी समझ नहीं आ रही
और अब जो जो आप लोगों में से जो माशाल्लाह जिनके बच्चे हैं जिन्होंने बच्चे जवान किए हैं, मैं भी अभी कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट ऑब्वियस अगर आप थोड़ा सा डिस्पैशनेटली देखें उसको, थोड़ा सा पीछे हट के देखें, तो वो खुद भी बिल्कुल आप पे से बाहर लगते हैं, जैसे खुद उनको समझ नहीं आ रही। फिर यहाँ पे ये जो स्टेजेस हैं इसमें वो आपसे गाइडेंस ले मांग रहे हैं, बताएं क्या करना है, आप बता दें। यहाँ पे तो खैर दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे तो उनको नहीं अभी समझ है। यहाँ पे जो बच्चा है वो आपकी आपसे कह रहा है अम्मी आप बता दें, अब वो आप बता दें। यहाँ पे बच्चा कह रहा है अगर किसी ने मुझे बताया तो मैं जान से मार दूंगा, खबरदार मेरे दोस्त मुझे बताएंगे। तुसी कौन है गयो, तुसी बड़े सियाने हो, बाबे बाबियाँ चुप करो। आई मीन दे डोंट से दिस, एटलीस्ट दे डोंट से टू आवर फेस, दे प्रॉब्ली से टू देयर फ्रेंड्स। सो बट दिस इज़ अ ट्रांजिशनल फेज ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट ऑब्वियसली। तो उसमें प्रॉब्लम फिर वही आती है कि जब यानी इसको इस सारे फिनोमेना को हम यानी उसके अंदर जब हम गोता लगा देते हैं, बच्चे तो बेचारे जिस तरह जहाज़ का टर्बुलेंस होता है ना, अगर हम भी उनके साथ वहीं बैठ जाएंगे सारा कुछ हिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमारा रोल ये है कि हम थोड़ा सा पीछे हट के इसको थोड़ा सा ज़रा बग़ैर ज़्यादा जज्बाती हुए समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके मुताबिक फिर जो भी उनको हम सोल्यूशन देना चाहते हैं वो दे दें। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, ये थोड़ी सी बातें हो गई हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सोचा था कि आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मेरी एक यूनिवर्सिटी मीटिंग आ गई, मेरे पास 15-1 मिनट और हैं, तो थोड़ा सा एक अगर आप सवाल जो आपको करना चाहें तो वो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो मामला है वो अगले सेशन में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये कोई सवाल सर, पहला मेरा सवाल है, जिसको फिज़िक्स समझ नहीं आ रही उसके लिए फिज़िक्स को कैसे दिलचस्प बनाया जाए, अपनी बात करो। हाँ हाँ, आप जो क्लास पढ़ाते हैं आपको आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है, कितने फ़ीसद बच्चों को कितने बच्चों को मुश्किल आती है, या क्योंकि वो चेंज हो जाती है जो काम मैं करता हूँ ना, वो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये तलिस्माती काम है, साइकाइट्री कोई जादू का काम है, जिन उतारते हैं, जिन चढ़ाते हैं, जिन्हों से रबते में हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे आदत ही है कि ये जो इस किस्म की पेचीदा बातें हैं उनको ज़रा आसान करके बयान करना, तो जब आसान करके बयान किया जाए तो फिर लोग ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे लेकिन उसके लिए मैडम पहले साइकेट्रिस्ट साहब को ख़ुद पता हो कि वो बात कर कह रहे हैं। इसमें ना बड़े मज़े की, सॉरी मैडम बात काट रहा हूँ, इसमें बड़े मज़े की एक मुझे एक सोशल मीडिया पे एक सेइंग मिली थी, सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाने का ये है कि बंदा खुद बड़ा कुछ सीखता है, ऐसी है ना। और आप किसी चीज़ को पढ़ा नहीं सकते जब तक कि आपने उसको अंदर बाहर से सीखा ना हो। और उसका एक और लेवल है, अमेरिका के बड़े एक मशहूर टीचर होते थे फिजिसिस्ट फेनमैन, आप जानते होंगे रिचर्ड फेनमैन की एक सेइंग है कि आपने जो भी किसी को सिखाना है ना, आप उस वो कॉन्सेप्ट या वो चीज़ किसी 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करें 5 साल, और अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको आती है, अगर नहीं कर सकते तो आपको नहीं पता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी सिखाना है 5 साल का बच्चा अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपने समझा हुआ है। ये वो तो बहुत बड़े उस्ताद थे उसकी वो तो, बट इट्स यू नो इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर ओन एंथुजियाज्म फॉर योर सब्जेक्ट। अगर आपको शौक है उस चीज़ का तो वो शौक बच्चों को नज़र आ जाता है, और फिर बच्चे खुद आएंगे आपके पास, कीजिए हमें बताएं। मैडम आप कुछ कह रही थी, मैडम आप इस वक्त मेरी बेगम मौजूद नहीं है तो उनकी शान में हल्की सी गुस्ताखी कर देता हूँ। मेरा नंबर 2 बेटा जिसको पढ़ाई की प्रॉब्लम day 1 से है और बहुत स्ट्रगल किया है बेचारे ने, अब तो ऑलमोस्ट ए लेवल उसका, खुदा आज रिजल्ट आना है, खुदाया उसका ए लेवल कंप्लीट करा दे। 1 साल एक्स्ट्रा ले चुका है, बहरहाल तो वो उसकी है बड़ा वो मोहब्बत करने वाला, लेकिन उसका बस है मिजाज एक, और अब वो माशाल्लाह तकरीबन मेरे जितना लंबा है, और
उसकी और उसकी अम्मी की ना कुछ यानी शदीद जंगें हुआ करती थी, शदीद। और मैं ज़ाहिर है कि अब उस जंग में तो मैं बायस्टैंडर नहीं रह सकता, उस जंग में तो मुझे साइड लेनी पड़ेगी किसी न किसी के। तो उस कई दफ़ा मुझे हर दफ़ा उस पर डांट भी पड़ती थी, लेकिन कई दफ़ा मैंने अपनी बेगम से कहा कि यार प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि इस कॉन्वर्सेशन में अडल्ट कौन है, खुदा रहा इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करें। वो ठीक है, वो बदतमीजी कर रहा है, वो आपसे गुस्सा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन बहरहाल बड़ी तो आप हैं। तो मुझे इस चीज़ को, अब ये बड़ा मुश्किल होता है जब 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 यू नो जब जंगो जदल का एक समा है ब्रेकफास्ट टेबल पे और एक, लेकिन ये ज़रूरी है। तो इसलिए अब वो मैडम ने बड़ी अच्छी बात की कि जी वो बच्चे कह रहे हैं कि तानू की पता है तुसी बड़े स्याणे हो, और हम कह रहे हैं जस्टिफाइबली, यहाँ कोई मेरे ख्याल इस उम्र का कोई लड़का लड़की तो नहीं है, जब स्टूडेंट से बात करूँगा तो उनकी साइड लूँगा। तो अब शक्ल देखिए, कल दे चूचे ए वाल में तुफे सफेद की तेने अत तेरी। लेकिन आजकल मामला कुछ और है, मार नहीं प्यार। तो इसलिए, और वाकई जिस तरह ये मैडम ने बात की थी, आप अपनी अप्रोच से आप उनको बड़ा वन कैन आर्ग्यू कि जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट इट्स नॉट इररेलेवेंट बट इट हैज़ माइनर सिग्निफिकेंस एज अपोज टू व्हाट दे आर लर्निंग फ्रॉम यू बाय बीइंग अराउंड यू। टीचर्स की बात हो रही है, जो लड़कियां हैं वो आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हैं, वो नहीं जो सिलेबस में जो करिकुलम में है, आप लोग बात कैसे करते हैं, उठते बैठते कैसे हैं, एक दूसरे से आपके रवैये कैसे हैं, आप लोगों की बिलीव्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो हर वक्त आपसे वो चीज़ें वाइब कर रही हैं। इसकी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक इसका नाम भी होता है, हिडन करिकुलम। इस स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है जिसका आपके करिकुलम में कोई जिक्र नहीं है। कैंटीन कहाँ पे है, कैंटीन में लाइन में लगना है कि नहीं लगना, वॉट एवर, बाथरूम में जाने के आदाब क्या हैं, ये आपके करिकुलम में कहीं नहीं लिखा हुआ, बच्चे यहाँ आके सीखते हैं। और सेम थिंग गोज विद योर देयर इंटरेक्शन विद यू, द जनरली स्पीकिंग द बॉयज़ विद द मेल टीचर्स एंड द गर्ल विद, नॉट ऑलवेज बट जनरली स्पीकिंग, वो मॉडल कर रहे हैं ना, बॉयज़ जो हैं वो मेल्स पे मॉडल कर रहे हैं वो जैसे। तो इसलिए मैडम ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब इस किस्म का मामला होता है तो आपने उनको बताना कुछ भी नहीं है, जो मर्जी बता दें। एक वो अमेरिका में कहावत होती है, जो मुंह से बातें निकलती हैं ना, इस जस्ट सो मच हॉट एयर, गर्म हवा, बच्चों का ये अप्रोच है, फिर शुरू हो गए ने। ये आपने उनको दिखाना है करके उस इंटरेक्शन में जिसमें वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, यू आर शोइंग इट टू देम कि यार इस तरह करना है। लेकिन और उसमें वो बड़ा मुश्किल होता है, अगर प्लेग्राउंड में कुश्ती चल रही है और बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं तो वहाँ पे ये करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे चलो, वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको अलहदा करके वो ज़ख्मी ना हो, उनको चोट ना लगे, वो ज़रूरी है, लेकिन बाद में अलहदा बिठा के और यकीन माने कि वो आपसे सीखेंगे अगर आप ख़ुद उस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। और वो ज़ाहिर है अमल, आप अगर आप कहते हैं मैं स्कूल में आके कर लूँगा और बाहर जो मर्ज़ी, बच्चे बेवकूफ़ तो नहीं होते, बच्चे अंधे हैं। आई मीन इट साउंड्स लाइक कि मैं टीचरों पे बहुत यानी ज़रबे लगा रहा हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ, लेकिन वो बात मैंने पहले कर दी थी। आप लोग ये भी बात पहले हो गई है कि आप लोग जिस माहौल में काम कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे, उनके माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, मिनिमल रिसोर्सेज, एक शदीद सोशल प्रेशर माँ बाप पे कि बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो कुछ खाने कमाने लायक हो जाएं, जबकि माशरा आपका जो है वो अभी भी एक बड़ी अर्ली डेवलपिंग स्टेज में है जिसमें रिसोर्सेज की कमी है, नौकरियों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है भाई, इस तरह ही है ना। उस मामले में रहते हुए ये सारा कुछ सिखाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सबको हिलाल इम्तियाज मिलना चाहिए, तमगा जुरत निशाने हैदर नहीं। ये हम पढ़ा करते थे, मैंने अभी पूछा है आपके माशाल्लाह मेरे ख्याल स्टूडेंट ही थे, ये अजहर साहब के दफ्तर में उनकी तस्वीर लगी हुई है, वो कारगिल पे कोई शहीद हुए थे, मुझे ऐसी नज़र आई क्योंकि मुझे याद आ गया हमें पढ़ाया करते थे, क्लास होती थी, सब मुझे नाम भी याद है, अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर सरवर, वो सारे जो हुआ करते थे।
सो लेकिन आप जिन जिन हालात में काम कर रहे हैं, आप लोगों को सबको अब होना तो ये चाहिए कि आपको आपकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, आपका आपको सारा कुछ किया जाए, लेकिन वो मैं कई में भी ऐसे काम करता हूँ। मैं अस्पताल में इस वक्त, आप पता नहीं खबरें देखते हैं कि नहीं, 125 अरब रुपए का खसारा है। मैं अस्पताल में दवाइयाँ नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहे, अपना ऑपरेशन थिएटरों में कोई सप्लाईज़ नहीं है, अलबत्ता मरीज़ आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, और डॉक्टरों से कहा जाता है इलाज करें, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और मरीज़ मेयो के मरीज़ तो सबसे फाका ज़्यादा होते हैं, सबसे जो गरीब मरीज़ हैं, क्योंकि बाकी पब्लिक अस्पताल हैं। सो आई नो व्हाट इज़ लाइक टू वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर सेटिंग। टोटल लैक ऑफ रिसोर्सेज, और आगे ऐसे पहाड़ आपके सामने खड़े कर दिए, ये करें। अबे किस चीज़ से करें, को आपने को देना भी है को टूल को आपने नहीं करें तो ये तो इसका, लेकिन इसका इसका पाकिस्तान में रहना यही है, जिन्हें नहीं शौक अमेरिका वापस चला जाए। असी बुलाया, जाओ डॉक्टर साहब वापस, और बुलाते रहे ना, जाओ चले जाओ, लेकिन हमने यहीं रहना है और यहीं करना है। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं, पहैप्स उस तरह से नहीं जिस तरह अमरीका में हो सकती है या वलायत में हो सकती है, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं, उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे से, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे और तरह के सोशल प्रॉब्लम हैं जो यहाँ ऐसा कोई जन्नत नहीं है। एक दफ़ा आखिरी किस्सा आपको सुना देते हैं। अमरीका में मैं रहता था तो आया यहाँ पर कुछ काम था, LDA के दफ्तर में गया तो वहाँ पर एक डिप्टी डायरेक्टर साहब से, उनसे गपशप चल रही थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ होते हैं? मैंने कहा जी मैं अमेरिका में होता हूँ। अच्छा 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 आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मैंने कहा जी मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। उस बंदे का डॉक्टर साहब अमेरिका में भी लोग डिप्रेस होते हैं? अब मैंने कहा जी एक एक कॉन्सेप्ट होता है गमे जाना, इंसानी इंसान होने का एक बुनियादी सी कथा, वो हर जगह पे है, वो तो उसका इलाज तो फिर जहाँ पे भी है बाहर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे भी हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे भी हैं, और तरह के हैं वहाँ और तरह के हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट एज फार एज वी आर पॉसिबल। और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस, यानी ट्रेनर बनने के हवाले से कि आप रिसोर्स पर्सन बनना चाहते हैं इन मामलात के हवाले से, तो आप तौकीर साहब से आप रब्ता कर लीजिएगा, उनको नाम दे दीजिएगा, आप लोग एक सेपरेट हम एक वर्कशॉप करवा देंगे उस, जिसके लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट बुला देंगे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बुला देंगे, ताकि यहाँ पे आपकी को रिसोर्सेज डेवलप हो सकें स्कूल के अंदर विदाउट एडिशनल पर्सनल बीइंग नीडेड। ये भी बड़ा होता है ना सरकारी इदारों में कि जी बंदे लाओ, वो कहते हैं बंदे हैं उन्हीं से काम करें, वो हायर करना, ये करना, वो करना, सैलरी मैलरी वो सारी बकबक होती है ना। लेकिन अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, वो ज़ाहिर है कि वो एक तरह से आपका काम बढ़ाने वाली बात है, लेकिन आपकी शौक की बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन कर देंगे। वो फिर आपको एक थोड़ा सा आपका एडिशनल बर्डन फॉर द टाइम बीइंग होगा कि फिर आपको लोग, क्योंकि आप बता दें क्या करना है, बैक पे हम लोग सब अवेलेबल होंगे। अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, वो जो मैंने बताया था ना बच्चों को ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मसला है जिसके लिए आपका वाकई ख्याल है कि इसके लिए कोई प्रोफेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसके लिए हम वो भी रिसोर्स आपको अवेलेबल कर देंगे। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इस यहीं स्कूल में ही आपके कुछ रिसोर्स पर्सन डेवलप कर दिए जाएँ तो आपके स्कूल को भी आसानी रहेगी, आपको भी आसानी रहेगी, और मोस्ट डेफिनेटली आपके बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं 5 मिनट आपके पास और हूँ, अगर कोई गपशप लगानी है तो लगा लें, उसके बाद फिर मुझे इजाज़त दे दें। सर जी सर जी जी अच्छा जी अच्छा जी थैंक यू सर थैंक यू। आप उसको कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं? अभी खुद ही कहा है कि $7,000 दे रहे हैं वो, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ आके कर ले जी। अच्छा माशाल्लाह, ये अपने बेटे की बात हो रही है? अच्छा अच्छा
माशाल्लाह, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू जी। कोई बात नहीं। ये मैं आखिरी आपको बात बताता जाऊं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना वो आज की दुनिया है, और जिस दुनिया से हम गुज़र के आए हैं वो कल की दुनिया थी। बच्चों ने आने वाले कल की दुनिया में रहना है, और उनको उस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और रहना भी उन्हें नहीं है, भुगतना भी उन्हें नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को वही सिखा सकता हूँ जो DPS में मुझे 1983 में बताया गया, मैंने तो वही सीखा हुआ है ना। वो दुनिया तो कब की ख़त्म हो चुकी है, उस वक्त कभी सोच सकता था कोई कि रिकॉर्डिंग हो रही होंगी और YouTube और ये वो। मैं तो KE में था तो कोई ईमेल का नामो निशान, अमरीका में जाके इंटरनेट याद हुआ था, सुना करते थे नई चीज़ आई इंटरनेट। अब तो खैर बच्चे भी हंसते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल गम ना लें कि बच्चे हमारी गाइडेंस के बगैर जो है वो गुमराह हो जाएंगे। उनको अच्छी तरह पता है कि क्या आपका काम है, आपकी जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं जो वक्त से बंधी हुई नहीं है। अब ये इंटरनेट और ये पैसे और ये नौकरियाँ आती हैं, चीज़ें जाती हैं, आपकी जो भी बुनियादी वैल्यूज़ हैं वो आप बाहर हाल कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको कोई कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको देख के सीख रहे हैं। एक वजह मुझे यहाँ आने की ये थी कि मैं चाहता था कि वो ये जो वैल्यूज़ हम सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें पता ही है ये बात कि जब मैं जब अंदर आया तो आप, एक तो मैं शायद इतना लंबा हूँ तो आप में से कुछ लोगों ने खड़ा होने की कोशिश की, हालांकि आप उस्ताद हैं, आप सब टीचर्स हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन ये अब ये किसने आपको सिखाया कि अगर कोई आता है तो खड़े हो जाना चाहिए, कि ये आपकी कौन सी मैडम, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये आपके कल्चर का हिस्सा है ना, ये चीज़ें आपको किसी को क्लास में बिठा के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ रहने से आप सीख जाएंगे, ये देख के सीख जाएंगे, टीचरों को देख के सीख जाएंगे, पेरेंट्स को देख के सीख जाएंगे। वो असल में वो वैल्यूज़ हैं जो उनको सीखनी चाहिए भी। बाकी ये कि जी काम क्या करना है, पढ़ाई क्या करनी है, ये उनको बहुत ज़्यादा पता है। और जो कल की दुनिया आ रही है जिसमें मैंने तो नहीं होना, मैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी और बेहतर दुनिया में होऊंगा इंशाल्लाह, बाकी क्या पता। तो इसलिए वो मेरा मसला नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों पे एतमाद रखें, भरोसा रखें कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक। हाँ अलबत्ता अगर ज़ाहिर है कि अगर सारी रात बाहर हैं और आपको कोई ऐसा मामला लग रहा है कि वाकई कोई गड़बड़ हो रही है, तो फिर उसको पकड़ करना भी आपका ही काम है, ठीक है। लेकिन कहिए आप मसलन सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, खाने की मेज़ पे, हमारे घर खाने की मेज़ पे सेल फ़ोन स्मार्टफोन इस्तेमाल करना मना है। अब उसकी जो ज़्यादा जो उसकी जो वायलेशन होती है वो मेरी वालदा की तरफ से होती है। अब बच्चे भी मेरे बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी भी बैठी हुई हैं। अच्छा मैं अगर उनको कुछ कहूँ तो मेरी बेटी मुझे पड़ जाती है, बाबा चुप करो, बाबा डोंट से एनीथिंग टू दादी। लेकिन कह कह के सुन सुन के सब किए, मैंने सबको करा दिया, कम से कम उसका रिंगर ऑफ कर दें यार, खाने के लिए बैठे हुए हैं 15-20 मिनट आधा घंटा अगर इकट्ठे बैठ जाएंगे तो उस कौन सा इतना ज़रूरी आपने इंस्टाग्राम पे चेक करना है, क्या मसला क्या है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बतानी भी पड़ेंगी, थोड़ा समझानी भी पड़ेंगी, लेकिन ठीक है हो जाता है। जो आप जब आप सब लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और उसका नतीजा भी अच्छा निकल रहा है। आपको मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया कि जी इसको थोड़ा और हमें बेहतर करवा देंगे, लेकिन वो अगली दफ़ा इंशाल्लाह। भाई जी मुझे इजाज़त है, मैं चलूँ आगे मेरी जी सर। सर वो हमारे पास सर क्योंकि साइकियाट्री का फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे हर तरह के आते हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी ज़्यादा होता है क्योंकि डिप्रेशन एंग्जाइटी जो रिलेटिवली माइल्ड बीमारियाँ उनकी शरह ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन में ज़्यादा सीवियर बीमारियाँ स्किज़ोफ्रेनिया इस किस्म की जो हैं उनकी शरह कम है, लेकिन हर किस्म की ये सवाल एक दास्तान का मोहताज है। बहुत सारी वजह होती हैं, जेनेटिक भी होता है अगर पेरेंट्स में हो, मेडिकल इलनेसिस की वजह से भी हो जाता है, ज़ाहिर स्ट्रेस परेशानी ट्रामा वगैरह वो तो होता ही है, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह वो भी शामिल हो जाते हैं, कई दफ़ा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं भी मिलती है, तो सॉर्ट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इस पर एक अलहदा एक टॉक कर लेंगे। ये तो एक पूरी क्लास ही बन जाएगी कि कौन सी बीमारियाँ किस तरह से, और फिर वो बीमारियों की भी टाइप्स होती हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी और बहुत सारी तरह की होती हैं। उस पर आप सर रब्ता रखेंगे इंशाल्लाह, और अगली दफ़ा जब आएंगे तो आपसे इस पर ही बात कर लेंगे। मुझे इजाज़त है, मेरी एक मीटिंग है यूनिवर्सिटी में। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।